हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अस्पताल में एक नई नौकरी है जिस जो कि आयुष्मान मित्र नाम से है और इसमें आपकी सैलरी 15 से 20, 25 हज़ार, 30 हज़ार तक मिल सकती है। और ये कैसे, किसका सिलेक्शन होगा, स्वयं सहायता समूह में अगर आप हैं तो मोदी सरकार की बड़ी स्कीम है, चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। अगर आप सभी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं, जितनी भी बहनें हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ट्रिकी नंबर वन। तो ट्रिकी नंबर वन की पहचान सही और सरल ज्ञान। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी है ये आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर जानकारी की अगर बात करें हम, तो आयुष्मान मित्र योजना में कैसे मिलेगी नौकरी आपको ये जानना जरूरी है। यहाँ पर अगर बात किया जाए, भारत सरकार ने आयुष्मान मित्र योजना में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता देने की बात की है। वरीयता आपको तब मिलेगा जब आप 12वीं कक्षा पास की होंगी। अगर आप 12वीं कक्षा पास की हैं और आयुष्मान मित्र योजना में आप जो है नौकरी लेना चाहते हैं तो फाइनली आपको वरीयता मिल जाएगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और अन्य छात्र छात्राओं को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा और आप सभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको अगर हम दिखाना चाहें तो ये देखिए, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके लिए मोदी सरकार की स्वयं सहायता समूह की जॉब एक बड़ी अपडेट है। आयुष्मान मित्र योजना के तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। आयुष्मान भारत योजना में क्या होता है, इसमें होता ये है जिसका ये कार्ड बन जाता है उसको फ्री में इलाज होता है, उसके परिवार का एक भी पैसा नहीं लगता। तो अगर आप कैसे बनवाना चाहते हैं या फिर कैसे बनता है तो आप कमेंट करेंगे तो उसकी मैं वीडियो बता दूंगा, वीडियो में पूरी जानकारी कि कैसे आयुष्मान कार्ड आप बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि आयुष्मान मित्र योजना में कैसे आप नौकरी पा सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जो है आयुष्मान स्मार्ट कार्ड दिया जाता है, जिसको लेकर लाभार्थी किसी भी सरकारी या फिर निजी अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड विकास खंड की तरफ से जारी किया जाता है। यदि आपका नाम किसी भी जनसेवा केंद्र में जाकर आप बनवाते हैं और आप चेक कराते हैं वहां पर है तो आपको लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान मित्र योजना में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नौकरी दी जाएगी और उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ पर बात आता है, आयुष्मान मित्र योजना में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने संभाषण में कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं देश की आर्थिक प्रगति में काफ़ी बड़ा योगदान कर रही हैं। अतः आयुष्मान मित्र योजना में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अनेक पदे पर भर्तियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अब जितनी भी पदों पर भर्तियाँ आएंगी उस सारी पदों पर भर्तियों के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया जाएगा। हालाँकि आपको बता दें, ये योजना शुरू है, अब इसमें जैसे ही भर्ती के लिए आदेश आता है, अपडेट आता है, वो आपको समय समय पर बताया जाएगा। अगर आप सभी 12वीं कक्षा पास की हैं तो आप सभी के लिए बड़ा ऑफर आने वाला है और इसमें सैलरी भी ठीक ठाक आपको मिलने वाली है। तो कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा, वो हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें ताकि नौकरी आप प्राप्त कर सकें और नौकरी में आपको 20 से 15 हज़ार, 30 हज़ार तक की सैलरी होगी जिसकी जिस अकॉर्डिंग योग्यता होगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसमें आपको फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आप कैसे भर सकते हैं, वो सारी जानकारी होगी। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।